physics grade 10, current electricity, numerical problems are going on. सबसे जो इंपॉर्टेंट दो प्रॉब्लम है वो वन बाय वन करके मैं सॉल्व करूंगा. फर्स्ट प्रॉब्लम है 14.5 सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस. माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक सेपरेट टॉपिक है. मैं इस वक्त टॉपिक के ऊपर नहीं जाऊंगा क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है, आप उसको वॉच कीजिएगा आराम से. जब तक टॉपिक समझ नहीं आएगा आपसे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा. 14.5 सीरीज कॉम्बिनेशन, टू रेजिस्टेंसेस 2 किलो ओम एंड 8 किलो ओम आर जॉइंट इन सीरीज. फिगर देखें जरा, फिगर अक्सर मैं अपने स्टूडेंट से कहता हूं फिगर बनाया करें. ये रेजिस्टेंस एक हो गई, मैंने मार्कर थोड़ा चेंज किया था, टू रेजिस्टेंसेस है. आई होप ये की लगाते हैं, ये साथ बैटरी लगा दी. ये जनाब बैटरी कितनी लगी है जी? 10 वोल्ट बैटरी है. ओके, की इसलिए लगाते हैं कि सर्किट एज इट इज लगा रहे. R1, R2, चूंकि ओनली वन पाथ है टॉपिक में बताया, तो सेम अमाउंट ऑफ करंट. ये माय डियर स्टूडेंट्स, I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I, करंट इज सेम बिकॉज ओनली वन पाथ, एक ही पाथ है इसलिए करंट की वैल्यू सेम है. यह बात आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में पता मिली. वोल्टेज इज गोइंग टू बी ड्रॉप R1 के क्रॉस V1, R2 के क्रॉस V2, इसलिए सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज इज गोइंग टू बी वेरिंग R1 के क्रॉस V1. और वी वांट टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. अच्छा, पहला पार्ट जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला याद रखिएगा. सीरीज कॉम्बिनेशन में ये टॉपिक में मैंने बताया हुआ है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस. इनकी वैल्यू लिख ले. 2 किलो ओम, मैं फिगर ही ऐसी बनाता हूं ताकि मेरे स्टूडेंट्स को मुश्किल ना हो. 2 किलो ओम एंड 8 किलो ओम, ताकि फिगर इतनी आपकी जबरदस्त हो कि एग्जामिनर के ऊपर आपका इंपैक्ट पड़े कि उसको पता है. फिगर बच्चे अक्सर पूछते हैं फिगर बनाए, भाई बनाए फिगर, फिगर तो आपके ऊपर बेटा अच्छा इंपैक्ट. आपने मार्क्स छीने जाते हैं, मार्क्स खैरात से नहीं मिलते. एग्जामिनर के लिए जब आप पूरा पेट फॉर्म लिखेंगे तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी. ओके, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस. दोनों रेजिस्टेंसेस को आप, मैंने कहा था एज इट इज पुट करें और 10 किलो ओम साथ लिख दें. ठीक है, किलो को आपको पता है 10^+3 है, 3 वो ऑटोमेटिकली आपका फर्स्ट पार्ट जो है ना वो क्लियर हो जाएगा. दूसरा पार्ट आपने क्या फाइंड करना है, करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस. अभी देखो, अभी वो आपसे करंट मांग रहा है, तो ये मैंने जैसे ऊपर आपको बताया है कि टोटल करंट पहले फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने निकाल ली है. वोल्टेज 10 वोल्ट है. ओके, तो हम टोटल करंट तो निकाल सकते हैं ना ऑफ दिस कंप्लीट सर्किट. ओम्स लॉ लगाएं, शाबाश. ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जी. V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V by R. R कौन सा यूज होगा? इक्विवेलेंट, क्योंकि हम टोटल करंट फाइंड कर रहे हैं. तो वोल्टेज 10 है, ये 10 किलो को फिर आपने यूज करना है. अभी चुके 10 से कैंसिल हो जाएगा, 10^-3 एम्पेयर. तो करंट क्या आ गया जी? 10^-3 एम्पेयर. इसको मिली भी कह सकते हो, ठीक है ना, इट्स अप टू यू. 1 मिली एम्पेयर. तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये करंट आपका फाइंड हो गया. ठीक है जी, एक ये पार्ट फाइंड हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये फाइंड हो गया, ए पार्ट, बी पार्ट. अभी सी पार्ट की तरफ जा रहे हैं. सी पार्ट कहता है फाइंड द पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेजिस्टर. सी पार्ट में हमने V1 फाइंड करनी है, मीन वोल्टेज थ्रू R1, और V2 फाइंड करनी है. वोल्टेज तो डिफरेंट है और इस पे आप फार्मूला ओम्स लॉ ही लगाएंगे. V1 is equal to I by V is equal to IR है. आप इस पे R1 यूज कर लें. V is equal to IR1. करंट वही है, 1 मिली को चेंज करें, शाबाश, चूंकि ऐसा यूनिट R1 2 किलो है. तो ये प्लस माइनस कैंसिल होके आपके पास V1 क्या आ जाएगा जी? 2 वोल्ट्स. ठीक है, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे. पता है ना ये पावर रूल है, 3^-3 10^0 0 मीन 1 होता है, तो सिंपल 2 वोल्ट. सेकंड पार्ट V2 I R2
भाई सेम है, मैंने पहले स्टेप में बताया था सीरीज कॉम्बिनेशन में ओनली वन पाथ है, करंट इज सेम। आई की वैल्यू 1 मिली, मिली को हमने कन्वर्ट कर दिया है आर टू 8 किलो ओम, 8 × 1 = 8। ये मैंने बताया था 3 - 3 जीरो हो जाता है, तो आपके पास 8 वोल्ट ये आ गया। तो V2 माय डियर स्टूडेंट्स 8 वोल्ट्स। ये मैंने बड़े डिटेल से आपको पूरा टॉपिक, उसके तीनों पार्ट्स, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, करंट, चूंकि करंट I1 I2 I3 नहीं है, करंट सेम है सीरीज कॉम्बिनेशन में, पाथ एक है, वोल्टेजेस क्रॉस ईच रेजिस्टर, ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ये आपका 14.5 है, एक प्रॉब्लम आपका ALP कराया गया, दैट इज 14.6। थैंक यू।